रही हूँ। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अजायाणम नमो लोए सव साहुणम चौगति दुख जीव भरे हैं परिवर्तन पंच करे है सब विधि संसार असारा या मैं सुख नाही लगारा। हमने यहां गुणस्थान की चर्चा चालू की है। अभी तक हमने गुणस्थान का स्वरूप देखा। गुणस्थान की पहले तो हमने उसकी परिभाषा, उसके कितने प्रकार है, 14 प्रकार, उसके नाम और अलग अलग रूप में उसका विभाजन, ये हमने पहले ही स्वाध्याय में देखा था। हमने पहले ही बात की कि ये निश्चय नहीं का विषय नहीं है, परंतु अशुद्ध नय का विषय है। किसका विषय है? अशुद्ध नय का विषय है। गुणस्थान की दृष्टि करने पर गुणस्थान का अभाव नहीं होगा, परंतु एक बात ध्यान रखना है, बारंबार कहती हूं कि ज्ञान में श्रद्धा में एक अहम ज्ञायक में होगा तो पर्याय में से हम गुणस्थानातीत हो जाएंगे। गुणस्थान बदलेगा, पहले में से जी चौथे में आएगा। हमने अभी तक पहले दूसरे और तीसरे गुणस्थान की चर्चा की। किसकी चर्चा की? पहले दूसरे और तीसरे गुणस्थान की चर्चा की। पहले दूसरे और तीसरे गुणस्थान, पहले गुणस्थान में हमने देखा कि पहले गुणस्थान में कौन सा भाव है? औदयिक भाव। कौन सा भाव है? औदयिक भाव। दूसरे गुणस्थान में कौन सा भाव घटित किया हमने? कोई बोल सकता है दूसरे गुणस्थान में? पारिणामिक भाव। तीसरे गुणस्थान में हमने देखा कौन सा भाव? शायोपशमिक भाव। तीन गुणस्थान की अभी तक हमने चर्चा की। पहले गुणस्थान में हमने देखा उसका स्वरूप, हमने देखा कि वहां मिथ्यात्व का उदय है, श्रद्धा भी विपरीत और चारित्र भी विपरीत। फिर हमने उसके दो भेद देखे थे, मिथ्या ग्रहित और अग्रहित। पर को अपना मानना, मैं पर के बिना नहीं रह सकता, पर का वियोग हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, ऐसी जो पराधीनता वाली दशा है, स्वाधीन दशा नहीं परंतु पराधीन वाली दशा, विषयों में जो सुबुद्धि मान के बैठा है, ऐसी जो दशा, पर में कर्तृत्व बुद्धि वाली दशा, ऐसी जो दशा है उस दशा का नाम है मिथ्यात्व। और ये बुद्धि के कारण, ये उल्टी मान्यता विपरीत बुद्धि के कारण, विपरीत विचारों के कारण अनादि काल से मैं दुखी होता आ रहा हूं। सुखी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो सुख से लबालब भरा हुआ आत्मा था, कहा है ना, पूजा में आता है, भव आताप मितावन की निज में ही क्षमता समता है, अनजाने मैंने अब तक की पर की झूठी ममता है। क्या किया हमने आज तक? पर की झूठी ममता, भ्रांति में जी रहे अपन। अपन सब किस में जी रहे? भ्रांति में, कि ये सब मेरे थे, ये मेरे है और ये मेरे रहेंगे। ऐसी भ्रांति में ये जीव अनादि काल से जी रहा है ना, कहा का अपनत्व करके बैठा। गुरुदेव जी कहते ना कि अशुभ से तो बचियो, अशुभ से तो हटा, अब शुभ में आकर अटक गया। कहा आकर अटक गया? शुभ में आकर अटक गया, माने अशुभ को छोड़कर किसको पकड़ा? शुभ को पकड़ा।
परंतु ज्ञायक को नहीं पकड़ा। जब तक ज्ञायक की दृष्टि नहीं होगी तब तक आनंद की उत्पत्ति नहीं होगी। श्रद्धा विपरीत, चारित्र भी विपरीत। काल हमने 6 अपेक्षा से उस काल मिथ्यात्व गुणस्थान का काल देखा था, गमनागमन भी देखा कि मिथ्यात्व से कहाँ से मिथ्यात्व में आता है, और विशेष अपेक्षा देखा। दूसरा गुणस्थान पर आए, दूसरे गुणस्थान में हमने कहा था कि जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4 में से किसी एक का उदय आएगा तो उसको दूसरा गुणस्थान आएगा। दिशा बेन ख्याल आ रहा है ना? दूसरा गुणस्थान क्रोध मान माया लोभ, कौन सी कषाय का? अनंतानुबंधी, उसका 4 में से किसी एक का उदय आएगा तो दूसरा गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान में दृष्टांत दिया कि कोई व्यक्ति पर्वत की टोच पे से गिरा और अभी भूमि को नहीं स्पर्शा, बीच में लटका है, तो बीच वाली जो दशा है वो हो जाएगा सासाधन गुणस्थान। माने सम्यक्त्व से तो च्युत हुआ परंतु मिथ्यात्व रूपी भूमि को स्पर्श नहीं हुआ, ऐसी बीच की जो दशा है उसको सासाधन गुणस्थान कहेंगे। मेघा भाभी ख्याल आ रहा है ना, मोनाली भाभी? अब फिर हमने देखा कि दूसरा गुणस्थान नियम से औपशमिक वाले को ही आएगा। किसको आएगा? धारा बेन, काजल बेन, औपशमिक वाले को ही आएगा नियम से, है ना। फिर हमने दूसरे गुणस्थान में उसका काल देखा, मिनिमम 1 समय और मैक्सिमम 6 आवली, मिनिमम 1 समय और मैक्सिमम 6 आवली, ठीक है ना। और हमने विशेष अपेक्षा देखा और गमनागमन देखा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे गुणस्थान में श्रद्धा भी विपरीत और चारित्र भी विपरीत। मिश्र गुणस्थान हमने किया, मिश्र गुणस्थान में किसका उदय आएगा? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आएगा, तो उसको तीसरा गुणस्थान प्राप्त होगा। तीसरे गुणस्थान में दृष्टांत दिया दही मिश्रित गुड़ का, है ना, दही गुड़ मिश्रित दही का दृष्टांत दिया। उसमें क्या बताया कि दोनों का मिक्स स्वाद आता है, खट्टा और मीठा। बराबर ऐसे ही तीसरे गुणस्थान में सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है, मिश्र परिणाम है। ये परिणाम को क्या कहा? एक नाम बोला था मैंने इस परिणाम के लिए, जात्यांतर परिणाम। कैसे परिणाम है? जात्यांतर, अलग प्रकार के, अलग अलग ही प्रकार के परिणाम है। आप बोलोगे दोनों साथ में रह सकते हैं, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व? तो हाँ रह सकते हैं, जैसे अनंत धर्म रहते हैं ना, नित्य अनित्य एक अनेक, ऐसे मिथ्यात्व और सम्यक्त्व भी साथ में रह सकते, परंतु भव्य अभव्य साथ में नहीं रह सकते, वो ध्यान में रखना। भव्य अभव्य साथ में नहीं रह सकते, परंतु चेतन और अचेतनपना, चेतन और अचेतनपना साथ में नहीं रह सकते, ख्याल आ रहा है। परंतु कल्पना बेन क्या साथ में रह सकता है? मिथ्यात्व और सम्यक्त साथ में रह सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो तीसरे गुणस्थान में हमने देखा था कि उसका काल जगन्य देखा था हमने, कितना समय? लघु अंतर मुहूर्त, धारा बेन लघु अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, माने मिनिमम हो जाएगा कितना? 1 आवली प्लस 1 समय, और मैक्सिमम कितना होगा? 48 मिनट्स माइनस 1 समय। इसका गमनागमन भी देखा था, तीसरे गुणस्थान में गमन कहाँ कर सकता है? चौथे में या तो पहले में। और आगमन कहाँ कहाँ से आ सकता है? छठे में से, पांचवे में से, चौथे में से, ये तीनों में से आ सकता है तीसरे में। परंतु एक नियम कहा था, एक नियम बताया था आप लोग, क्या नियम बताया था? कि औपशमिक और शायोपशमिक सम्यक दृष्टि ही आ सकते हैं, शायिक नहीं आएंगे, क्योंकि शायिक सम्यक दृष्टि ने ये सारी मिथ्यात्वानुबंधी का सत्ता में से, 7 का सत्ता में से क्षय कर दिया, 7 का 7, 4 अनंतानुबंधी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, माने सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता ही नहीं, तो शायिक सम्यक दृष्टि तीसरे में नहीं आ सकती, ठीक है ना। ये नियम बताया था सुबह। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरे गुणस्थान की हमने 5-1 विशेषता भी देखी थी, जबरदस्त स्वरूप है ये गुणस्थान का। परंतु हम आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते बढ़ते अब जाते हैं हम पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान का स्वरूप देखकर अब जाते हैं हम चौथे गुणस्थान के ऊपर। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त गुणस्थान। क्या नाम है? अविरत सम्यक्त गुणस्थान। माने ये गुणस्थान ज्ञानी का गुणस्थान, दूसरे शब्द में कहे भगवान के लघुनंदन का गुणस्थान। ज्ञानी हो गए माने उसके मोक्ष के द्वार खुल गए। छह डाला में कहा मोक्ष महलनी प्रथम सीढ़ी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है, प्रकट करने लायक उपाधेय है, प्रकट करने लायक, परंतु आश्रय करने लायक तो एक ही जगत में चीज है। क्या है? अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आदि। सोगानी जी ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश में कहा कि सम्यक दर्शन की पर्याय ने उसका कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया। किसके लिए खाली कर दिया? त्रिकाली के लिए खाली कर दिया। माने पर्याय पर्याय अपना भान भूल गई और पर्याय का अहमपना पूरा बदल गया। पर्याय का अभी तक अहमपना दिशा बेन कहा चल रहा था? पर्याय में, संयोग में, दे देवालय में, दे में, संयोग में, समझ में आ रहा ना, पर द्रव्य में चल रहा था। परंतु अब उसका ज्ञानी होते ही उसका अहमपना पूरा बदल गया। कहा हुआ अभी अहम उसका त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। वो अपने को त्रिकाली के अलावा कुछ भी नहीं मानते। सोगानी जी ने कहा कि सारे ताले की एक चाबी। क्या चाबी है? सारे ताले की एक चाबी। कौन सी चाबी? एक त्रिकाली में अपनापन करना। किस में अपनापन करना? एक त्रिकाली में अपनापन करना। जहां वो ध्रुव में अपनापन होता है, जहां त्रिकाली में अपनापन हुआ, ज्ञायक मैं ज्ञायक हूं ऐसी श्रद्धा हुई, उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने सच्चा विश्वास, आत्मविश्वास, ज्ञायक का निर्णय, मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव हुआ, उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कहो, आत्मदर्शन कहो, दोनों एक ही बात है। रुचि का मार्ग है। किसका मार्ग है? ये रुचि का मार्ग। जब तक रुचि नहीं पलटेगी, पर विषयों की रुचि नहीं टूटेगी, तब तक ये आत्मा की रुचि नहीं होगी। पूरा मार्ग रुचि का खेल है। पूज्य बेंशी को पूछते थे कि अमारो उपयोग केम नहीं पलटतो, तो बेंशी कहता था, वे कहते थे कि उपयोग तो तब बदलेगा जब रुचि पलटेगी। रुचि पलटेगी ना तो उपयोग अपने आप पलट जाएगा। भक्ति में आता है ना, आज हमारो उपयोग पलट्यो, उपयोग पलट्यो ने अभिप्राय पलट्यो, चैतन्य चैतन्य भासी रयो रे, आत्म तारी भक्ति मां भिंजाई गयो रे। एक अंदर से एक भूख लगनी चाहिए। जैसे हमें भूख लगती है ना बाहर में, तो हम तुरंत ही भोजन करने जाते हैं, भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। प्यास लगती है तो तुरंत पानी पी लेते हैं। ऐसे ये आत्मा की भूख लगनी चाहिए कि मुझे एक आत्मा चाहिए, मुझे आत्मा के दर्शन करने हैं, ये भव मेरे हाथ में से ना निकल जाए। इसका नाम पात्रता। सबसे पहले अपने को जिज्ञासा तो होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। श्रीमद जी ने कहा ना, हूं कौन छू क्या थी थयो सु स्वरूप छे मां रूख। हमने इन 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 वाक्यों के ऊपर कभी शांति से विचार ही नहीं किया। पूरे दिन में हमें इसके लिए समय निकालना है। पढ़ना पढ़ाना ये सब तो औदयिक भाव है और ये अनादि से करते आ रहे हैं, परंतु अपने स्वरूप संबंधी का विचार नहीं किया। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा कि सम्यक्त्व का अधिकारी कौन?
तत्व विचार करने वाला जीव सम्यक्त का अधिकारी। कौन सम्यक्त का अधिकारी है? जो बारंबार अपने आत्मा का विचार कर रहे, तत्व निर्णय कर रहे कि पर में से मुझे सुख तो नहीं, पर सुख की कणिका भी मिलने वाली नहीं है। आता है ना पूजा में, आशा की प्यास बुझाने को अब तक मृग तृष्णा में भटका। कहा भटका? मृग तृष्णा के समान। हिरण वो चमकती रेत को देखता है तो उसे लगता है वह पानी है। ऐसे हम इन परद्रव्य, इन विषयों में, ये स्त्री पुत्र घर परिवार, इन सब में हमने क्या माना? सुख माना। ये भ्रम से हम जी रहे हैं। जब तक ये विकल्पात्मक निर्णय नहीं होगा तब तक निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं। सम्यक दर्शन के पहले ज्ञायक की खूब महिमा। मुझे सम्यक दर्शन नहीं, मुझे तो ज्ञायक चाहिए, मैं ज्ञायक हूं, ऐसे ही ऐसी विकल्पों में उसकी मुख्यता रहती है। कैसा ओहापो रहता है कि मेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में आज तक कुछ हुआ ही नहीं, उदय उदय में है और मैं मेरे में हूं। सोगानी जी ने एक दृष्टांत दिया कि सुमेरु पर्वत कैसा अधिक है, कभी कभी उसका ख्याल है हिलता नहीं ना, कैसा अधिक है, परंतु उसमें तो परमाणु आते हैं और जाते हैं। मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सुमेरु पर्वत के समान है, उसमें तो परमाणु आते हैं और जाते हैं, परंतु मेरे में आज तक कुछ आया नहीं और मेरे में से आज तक कुछ निकला नहीं। मैं त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति वाला, किसी का ग्रहण किया नहीं और किसी का त्याग करना नहीं। ज्यो का त्यो एक रूप बना हुआ। छठी गाथा में कहा प्रमत्पन्नति अप्रमत्पन्नति एक ज्ञायक भाव। चौदहवीं गाथा में 5 बोल कह दिए, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष अनसंयुक्त और 5 बोल से इस त्रिकाली की महिमा। सर्वार्थ सिद्धि के देव 33-33 सागर तक इस आत्मा के गीत गाते हैं। 320 नंबर की गाथा में कहा कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो अकर्ता है, अवेदक और अकर्ता। कितनी महिमा, अंदर से महिमा आए, एक बार विश्वास आ जाए कि मैं आत्मा हूं। जब तक पर की रुचि न टूटे और अपनी रुचि ना हो तब तक ये मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा। जब चौथा गुणस्थान आता है तो ये दशा कैसी कि पूरा जीवन बदल जाता। दृष्टि बदली तो जीवन बदल गया। क्या कहा? दृष्टि परिवर्तन हो गया तो जीवन परिवर्तन। चौथा गुणस्थान माने एक नया जन्म, नया जन्म हुआ। कहते हैं ना, दिशा बदली तो दशा बदल, दिशा बदली तो दशा बदल गई। अब कभी अनंत काल तक संसार में रखड़ने वाला नहीं, इन संयोगों की प्राप्ति होने वाली नहीं, जन्म और मरण होने वाला नहीं है, माता के गर्भ में नहीं आएंगे अनंत काल तक। शायद थोड़े भव हो तो वो अनंत काल के सामने कुछ भी नहीं। पंच परावर्तन का क्या आ गया? पंच परावर्तन का अभाव हो गया। ज्ञानी हुए माने ज्ञानी हुए माने अभिप्राय का परिवर्तन। किसका परिवर्तन? अभी 2 जीव है, ज्ञानी और अज्ञानी। सपोज बाहर में ज्ञानी और अज्ञानी के सहयोग समान। ऐसा भी हो सकता है कि अज्ञानी को बाहर में बहुत पुण्य का उदय और ज्ञानी को भयंकर पाप का उदय, परंतु सुखी कौन? सुखी कौन? संवर किसको प्रकट हुआ है? ज्ञानी के अज्ञानी को। तो कहते हैं ज्ञानी को। नरक में ज्ञानी है तो वो सुखी, और यहां खूब सहयोग हो, अनुकूलताएं हो,
बाहर में खूब वाह वाह हो रही हो, प्रशंसा होती हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, खूब पैसे हो, परंतु कहते हैं कि आत्मदर्शन के बिना वो जीव दुखी है। ज्ञानी अज्ञानी का मापदंड अभिप्राय से, किसके आधार से होता है? अभिप्राय के आधार से। देखो ज्ञानी हो ना, ये चौथे गुणस्थान की बात है, अविरत सम्यक दृष्टि की बात। अभी अविरत सम्यक तो क्यों कहा इस गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक, क्योंकि कोई भी प्रकार के व्रत अंगीकार नहीं किए। क्या नहीं किए? व्रत अंगीकार नहीं किए। आप लिख सकते हो अभी आप लिखते जाओ, 12 प्रकार की जो अविरति है, 12 प्रकार की अभी उनको अविरति है, माने वो 12 प्रकार की अविरति है, माने इंद्रिय संयम और प्राणी संयम नहीं है, दो चीज नहीं है। कौन सी दो चीज? इंद्रिय संयम और कल्पना बेन क्या नहीं है? प्राणी संयम नहीं है। इंद्रिय संयम माने 5 इंद्रियों के विषय और एक मन, इनके विषयों में से अभी भी वो निवृत्त नहीं हुआ है। 5 इंद्रियों के विषय और एक मन के विषय में अभी भी प्रवृत्ति चल रही है। इनके विषयों में प्रवृत्ति चल रही है, इसको कहेंगे कि अभी भी उसको इंद्रिय संयम नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं है। और प्राणी संयम नहीं है, क्योंकि 5 स्थावर और 1 त्रस, इन जीवों का अभी भी घात हो रहा है। फिर से एक बार बोलती हूं, 5 स्थावर और 1 त्रस, इन जीवों का अभी भी घात हो रहा है, हिंसा हो रही है, इसलिए वे प्राणी संयम के धारक भी नहीं, दोनों के धारक नहीं, प्राणी संयम और इंद्रिय दोनों से रहित। इंद्रियों के विषयों में भी प्रवृत्ति और इन 6 प्रकार के जीवों की भी हिंसा हो रही है, इसलिए वे अविरत है, वे वीरत नहीं। क्या है? वे अविरत है, वे वीरत नहीं है, ठीक है ना? वे अविरत है, वे वीरत नहीं है। क्लियर? इतना हुआ बराबर। अब आगे लिखना कि ये गुणस्थान में जो 4 प्रकार की हिंसा बताई है ना, 4 प्रकार की हिंसा के नाम बोल रही हूं मैं, संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी। संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी। अब इन 4 हिंसाओं में से कौन सी हिंसा है? तो 4 हिंसाओं में से खाली 1 हिंसा नहीं है। कौन सी? संकल्पी नहीं है, बाकी की 3 है, 1 ही नहीं। कौन सी नहीं? संकल्पी नहीं, बाकी उद्योगी भी है, आरंभी भी है और विरोधी भी है। आरंभी क्यों कहा? क्योंकि धंधा व्यापार। आरंभी क्यों कहा? क्योंकि घर गृहस्थी का काम करते वक्त जो हिंसा होती है वो आरंभी। दूसरा कहा? उद्योगी, धंधा व्यापार करते वक्त जो हिंसा होती है वो उद्योगी। और संकल्प और तीसरी कही? विरोधी। विरोधी अपने कुटुंबी जन को देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए सपोज उनको विरोध करना पड़े तो वे करते हैं। क्या करते हैं? देव शास्त्र गुरु धर्म की रक्षा के लिए वे युद्ध भी कर सकते हैं, वे विरोध भी कर सकते हैं। इस प्रकार का अभी उनको राग है तो इस प्रकार की हिंसा वे कर सकते हैं। जैसे राम ने सीता जी के लिए रावण से युद्ध किया, इस प्रकार की हिंसा, इसको कहते हैं विरोधी हिंसा। क्या कहते हैं? विरोधी। परंतु संकल्पी, बुद्धि पूर्वक कोई जीव को, प्लानिंग पूर्वक कोई जीव को मारने के परिणाम नहीं। मैंने 4 प्रकार की हिंसा में ज्ञानी को कौन सी हिंसा, मेघा भाभी कौन सी हिंसा, मोनाली भाभी? तो कहते 3 है,
परंतु एक नहीं बटीबेन, कौन सी नहीं? संकल्पी नहीं। ठीक है ना, दो पॉइंट हुए अभी तक, अविरति और हिंसा का पॉइंट। 12 प्रकार की उनको अविरति है, विरत नहीं हुए है, है ना। और हिंसा में देखा 4 में से एक नहीं, बाकी 3 है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, मोक्ष ज्ञानी होते ही, चौथा गुणस्थान आते ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो गया। किसका प्रारंभ हुआ? मोक्ष मार्ग। 7 तत्व की भाषा में लिखना, 7 तत्व की भाषा में कहे धाराबेन, संवर और निर्जरा प्रगट हो गए। कौन से दो तत्व? संवर और निर्जरा तत्व, संवर और निर्जरा तत्व। अब आगे लिखना कि भेद ज्ञान प्रगट हो गया। क्या हो गया उनको? भेद विज्ञान। संयोग के बीच में है, उदय के बीच में है, और अभी शुभ परिणाम भी है और अशुभ परिणाम भी है, परंतु सतत उनको भेद ज्ञान चल रहा है कि स्व स्वरूप है और पर रूप है। स्व का अंश पर में नहीं गया और पर का अंश स्व में नहीं गया। भेद ज्ञान सतत चल रहा है, सतत उनको पर्याय से, औदयिक भाव से, संयोग से, उदय से, शरीर से, निरंतर भेद ज्ञान चल कि मैं ये उठने खाने पीने बैठने बोलने वाला नहीं, मैं तो एकमात्र जानने वाला, मैं तो ज्ञाता। ज्ञप्ति क्रिया, दूसरे शब्द में कहे ज्ञान चेतना प्रकट हो गई। चौथा गुणस्थान आया तो कौन सी चेतना प्रकट हुई? ज्ञान चेतना। आप लिखना कौन सी चेतना? ज्ञान चेतना। आज तक ज्ञान चेतना प्रकट नहीं हुई थी, परंतु जा भेद ज्ञान हुआ कि राग और ज्ञान जुदे जुदे है, तो ज्ञान चेतना प्रकट हो गई। ख्याल आ गया कि मेरे ज्ञान में आज तक किसी का प्रवेश हुआ ही नहीं। आज सुबह गाया था ना राजू लांकी ने, चैतन्य के दर्पण में आनंद के आलय में बस ज्ञान ही बस ज्ञान है, कुंद कुंद प्रभु समझाए, कान गुरु समझाए। ये नक्की हो गया कि ज्ञान में तो बस ज्ञान ही है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में कहा कि जगत में कोई शत्रु या मित्र नहीं, परंतु सबसे बड़ा शत्रु क्या है? मिथ्यात्व, वो सबसे बड़ा शत्रु है, और सम्यक्त्व, वो सबसे बड़ा मित्र है। सम्यक्त्व जैसा कोई मित्र नहीं और मिथ्यात्व जैसा कोई शत्रु नहीं। बड़े पंडित जी ने, रविंद्र जी ने लिखा है कि इस जीव के दो शत्रु है, दो शत्रु, अभिमान और अज्ञान। क्या कहा? अभिमान और अज्ञान। इस जीव के दो शत्रु अभिमान और अज्ञान। श्रीमद जी ने कहा अगर अभिमान नहीं होता, यहां मान नहीं होता मनुष्य में, तो यही मोक्ष हो जाता। मद मद हो जाता है ना अज्ञानी, ज्ञानी मद से रहित है। कितनी निर्माणता विनय आदि ज्ञानी के जीवन में होता है। 6 डाला में आप एक पॉइंट लिखना कि ज्ञानी के जीवन में से 25 दोष रहित हो जाते, उनका जीवन 25 दोष से रहित, 25 दोष नहीं है उनके जीवन में। ख्याल आ रहा है ना? गुणभद्र आचार्य देव ने आत्मानुशासन में लिखा, गुणभद्र आचार्य देव ने आत्मानुशासन में लिखा, क्या लिखा? कि एक मोही मुनि से भी एक सम्यक दृष्टि श्रावक श्रेष्ठ है। एक मोही मुनि, द्रव्यलिंगी मुनि से भी कोई ग्रस्त है, धंधा व्यापार ग्रस्त, स्त्री पुत्र आदि हो, परंतु सम्यक दर्शन हो, तो वो मोही मुनि से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका उसका उसके दृष्टि का परिवर्तन हो गया, बड़े में बड़ा काम हो गया,
समय सार में हंस का उदाहरण दिया, ज्ञानी को हंस कहा। हंस की चोच में ऐसा खटासमय पदार्थ होता है कि वो दूध पानी को स्पर्श करते ही वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी अलग हो जाता है। ऐसे ज्ञानी हंस जैसे है कि इतने बार में अनुकूल प्रतिकूल संयोग के बीच में ऐसे कोरोना जैसे भयंकर उदय आने पर भी वो रंच मात्र भी दिखता नहीं, विचलित होता नहीं। सपोज उसके उसको हो भी जाए तो भी उसको कोई प्रकार का भय नहीं, क्योंकि आप लिखना एक पॉइंट के ज्ञानी सात भय से रहित हो जाते हैं। ज्ञानी कितने किस भय से? सात भय से रहित हो जाते हैं। अभी तक कितने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, हिंसा का पॉइंट बताया, चार हिंसा में से उनको एक पहली वाली नहीं है, बाकी सब है। 12 प्रकार की अविरति है, भेद ज्ञान हो गया, संवर निर्जरा की प्राप्ति हो गई, भगवान के लघुनंदन बन गए, 608 में नंबर लग गया। अभी एक नया पॉइंट, अतींद्रिय ज्ञान और अतींद्रिय सुख प्रकट हो गया। क्या प्रकट हुआ? ज्ञानी होते ही अतींद्रिय ज्ञान और अतींद्रिय सुख। अभी तक तो इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को ही उपाधि मानते थे, परंतु जहां अतींद्रिय ज्ञान और अतींद्रिय सुख प्रकट हो गया काजल बेन, तो इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान कैसा लगने लगा? हे लगने लगा। कैसा लगता है? हे लगता है। अभी तक तो इंद्रिय ज्ञान को ही इंद्रिय सच्चा ज्ञान माना और इंद्रिय सुख को ही सच्चा सुख माना, परंतु अब ख्याल आ गया कि नहीं, अतींद्रिय ज्ञान और अतींद्रिय सुख ही सच्चा सुख है। एक चीज सोगानी जी ने लिखी है द्रव्य दृष्टि प्रकाश में के ज्ञानी को अधिक पुण्य, सुनना, ज्ञानी को अधिक पुण्य विष्टा के ढेर के समान लगता है। किसके समान? विष्टा के ढेर के समान। माने इसमें ये भाव है कि उसको पुण्य में कोई रुचि नहीं है, कोई प्रकार की रुचि नहीं है, क्योंकि पता है कि ये पुण्य क्या काम का। पुण्य होगा, ज्यादा धन होगा, दौलत होगी, पैसे होंगे, पद मान प्रतिष्ठा होगी, परंतु ये मेरे आत्म प्राप्ति में कोई कार्यकारी नहीं, इसके लक्ष्य से भी मुझे आनंद आने वाला नहीं है। और ये सारे के सारे संयोग कैसे है? क्षणिक है, नाशवान है, बिजली के समान। कैसे है? तो क्योंकि नष्ट होने वाले हैं, इसीलिए उनको ये पुण्य का उदय कैसा लगता है? विष्टा, विष्टा के ढेर के समान लगता। आया है ना? क्या आया है कि चक्रवर्ती की संपदा, इंद्रसरी के भोग, कागवीत समगिनत है सम्यक दृष्टि लोक। जब ये जब आत्मज्ञान होता है, जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो कहते हैं ना कि आत्म अनुभव आए तब और कछु ना सुहावे, कुछ अच्छा नहीं लगे। जैसे वो लड़की की बस अभी तो सगाई नक्की हुई, अभी तो शादी नहीं हुई, मात्र सगाई नक्की हुई, अभी तो मम्मी पियर में है, परंतु उसकी दृष्टि, उसकी श्रद्धा बदल गई ना। उसको पूरा समय दिमाग में क्या घूम रहा है? वो ही घर घूम रहा है, ससुराल वाला, उसको उसके उसका पति दिख रहा है। ऐसे ही सम्यक दर्शन होना माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के साथ सगाई हो गई। शादी तो कब होगी आत्मा के साथ? जब मोक्ष होगा तब। परंतु अभी क्या हो गई? अभी तो ये त्रिकाली के साथ सगाई हो गई। ज्ञानी की दृष्टि श्रद्धा में एक ही रम रहा है, कौन? अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान। आगे आप लिखना एक और पॉइंट कि ज्ञानी के जीवन में ज्ञान और वैराग्य क्या होता है? ज्ञान और वैराग्य का सुन, सच्चा ज्ञान और वैराग्य ज्ञानी को ही होता है। क्या होता है? ज्ञानी कोई सच्चा ज्ञान और वैराग्य होता है, किसी और को नहीं होता है। क्षयोपशम ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा, आत्म ज्ञान को ही ज्ञान कहा। फिर भले बार में कितना भी
कितना भी वो सुनता हो, बोलता हो, भाषा में आ जाए, परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ज्ञान नहीं। ज्ञान तो एक ही, आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। हमने आज तक पढ़ाई में, धारणा ज्ञान में, इन सब में ज्ञान माना, परंतु जहां से ज्ञान निकल रहा है, ज्ञायक में से ज्ञान निकल रहा है, उस ज्ञायक के ऊपर तो आज तक दृष्टि ही नहीं गई। अद्भुत दशा, ज्ञानी की दशा कोई अलौकिक दशा, अलौकिक दशा प्रशंसनीय। गीत गाए सम्यक दृष्टि के, किसकी महिमा? उस सम्यक दृष्टि जीव की महिमा, कि जिसने पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया? कि राग से एकत्व बुद्धि तोड़ी और स्वभाव में एकत्व बुद्धि की। पुरुषार्थी कौन? पुरुषार्थी कौन? पुरुषार्थी वो नहीं कि जिसने बहुत पढ़ लिया, जिसने बहुत शास्त्र का ज्ञान ले लिया, जिसने बहुत व्रत आदि कर लिए। समाधि तंत्र में एक गाथा ही है, आज ही मैं दोपहर में पढ़ रही थी समाधि तंत्र, अद्भुत ग्रंथ, पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तप करते हैं, पर दोनों तप करते हैं पर दोनों के अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर। अज्ञानी तप करता है तो वो उसके पीछे उसके अभिप्राय में ये है कि मुझे बाहर में विषयों की प्राप्ति हो जाए, मुझे अच्छा शरीर मिले, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, मुझे बाहर में पद प्रतिष्ठा मिले। और ज्ञानी तप करता है तो संयम को बढ़ाने के लिए, कोई विषय भोग की वांछा नहीं है। ज्ञानी माने गुरुदेव जी का बोल है कि एक आत्मा के लिए ज्ञानी पूरी दुनिया को भूल गए दिशा, और अज्ञानी पूरी दुनिया के लिए किसको भूल गए? किसको भूल गए? अपने आत्मा को भूल गए। कितना अंतर है ना दोनों के बीच में, ज्ञानी और अज्ञानी के बीच। ज्ञानी को एक आत्मा के अलावा कुछ दिखता नहीं है, देह को पड़ोसी मानता है, हो जाए कुछ भी, क्या दम है? ये अभी देह मिली है, ये भाव पूरा होते ही दूसरी देह मिल जाएगी। जब तक ये देह दृष्टि नहीं छुटेगी तब तक ये देह तो मिलते ही जाएंगे, ये चक्कर तो चालू ही रहेगा, शुभ और अशुभ परिणाम का, उदय का, ये नए नई देह मिलेगी। ये संसार का अंत कब आएगा? इस संसार के अंत लाने का एक ही उपाय है कि आत्मज्ञान करो, आत्मा की दृष्टि हो जाए। कुछ भी समय सार में कैसी कैसे शब्द दिए हैं कि मर पच के भी आत्मा का अनुभव कर लो। क्या कर लो? मर पच के भी, या तोड़ दो, इन विषयों में कोई दम नहीं, कोई सुख नहीं, कोई सार नहीं। एक सार भूत, एक दमदार तत्व कोई है तो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान, इसका नाम ज्ञानी, जो पूरे जगत से उदासीन हो गया। पूरे जगत से कैसा हो गया? उदासीन हो गया। इसका नाम वैराग्य। गुरुदेव श्री कहते थे ना वैराग्य, खाली एकदम शांत बैठ जाना, किसी के साथ बोलना नहीं, हंसना नहीं, इसका नाम उदासीनता नहीं। उदासीनता तो वो चक्रवर्ती है जो 96,000 रानियों के बीच में भी उदासीन है, क्योंकि वो राग का राग टूट गया। खेद लगता है, राग होता है तो दुख लगता है। अज्ञानी को का दुख लगता है? उसको तो मजा आती है, उसको तो अच्छा लगता है, उसको तो आनंद आता है, उसको तो लगता है कि ये रखने जैसा है। परंतु ज्ञानी को तो हर परिणाम का ख्याल रहता है ना कि ये परिणाम अभी देखो अशुभ हो रहे है, शुभ हो रहे है, ये परिणाम बिगड़ रहे है। ज्ञानी को समझ में आ रहा है, ख्याल आ रहा है। अज्ञानी तो उसने तो परिणाम वाला ही अपने आप को मान लिया है। कहां भेद है? कहां भेद जानता है? परिणाम और अपरिणामी के बीच में उसे अंतर ख्याल ही नहीं। ये द्रव्य दृष्टि कराने के लिए नियम सार में कह दिया ना कि ध्रुव तत्व अंत तत्व। ध्रुव तत्व, ध्रुव तत्व माने ज्ञायक तत्व है, अंत तत्व, और निर्मल पर्याय को कह दिया बहिर तत्व। निर्मल पर्याय को भी बहिर तत्व कह दिया, तो फिर मैं ये राग औदयिक भाव की पर्याय, ये पुण्य पाप के उदयी, ये कोरोना वायरस,
है ना, ये दे, ये जो भी सहयोग, इनकी तो मैं क्या बात करूं, ये तो सारे के सारे बहिर्तत्व ही है, ये सारे के सारे बहिर्तत्व, इनका लक्ष्य करने लायक करने जैसा नहीं है। इतने हमने सारे पॉइंट्स, आज हमने एक लास्ट पॉइंट एक लिखना, ज्ञानी के जीवन में चार भावना प्रकट होती है, चार भावना, कौन सी चार भावना, संवेग, संवेग, प्रशम, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। संवेग माने क्या, संवेग माने क्या, संसार का भय, चार गति का भय, ये परिणाम मेरे बिगड़ेंगे तो ये परिणामों का फल मुझे क्या मिलेगा, ये ज्ञानी विचार करते हैं, ख्याल आ रहा है ना। इसलिए आप इसके बाद एक पॉइंट लिखना कि ज्ञानी के जीवन में अन्याय, अनीति और अबक्ष नहीं होते हैं, डरते हैं अन्याय से, डरते हैं अन्याय करने में, डरते हैं क्योंकि उनको पता है इस अन्याय, अनीति और अबक्ष का फल बहुत बुरा है। अन्याय, अनीति, अबक्ष, किसी को हाँ, किसी के साथ अन्याय नहीं करते क्योंकि उसका बुरा होना उसके उदय के अधीन है, परंतु मैंने उनके साथ अन्याय किया, मैंने अन्याय किया तो परिणाम मेरे बिगड़े। अनीति, अनीति नहीं होती, अन्याय नहीं होता, अबक्ष नहीं होता, मेरा ना। हम किसी के साथ मायाचारी छल कपट करे परंतु परिणाम तो हमारे ही बिगड़े ना। हमको लगता है हम किसी को उल्लू बना दे परंतु कोई उल्लू नहीं बना, हम अपने परिणाम ऐसे करके हम ही स्वयं मूर्ख बन गए, ये ध्यान में रखना है। हर समय जागृति, माने सावधानी, जागृति वाला जीव वो ये संसार से तर जाए। गुरु का विनय या ज्ञानियों का, गुरुदेव श्री, बेन श्री, इन सब का हमारे ऊपर कितना उपकार है, इन महापुरुषों का कितना उपकार है, अगर ये नहीं होते तो कौन हमें ये मार्ग बताता। पहला का संवेग, संसार का भय। दूसरा प्रशम, प्रशम माने कषाय की मंदता, प्रशम माने शांत परिणाम, उद्वेग नहीं करते ज्ञानी, कोई भी बार में परिस्थिति खराब बन जाए तो भी ज्ञानी को आकुलता नहीं होती, ये अपने परिणाम को शांत रखते हैं, इसका नाम प्रशम। प्रशम माने धैर्य, कषाय की मंदता, शांति, क्रोध नहीं करते, किसी ने क्रोध किया, किसी ने मेरा बुरा किया तो मैं भी सामने वैसा ही करूं, ऐसे परिणाम ज्ञानी को नहीं होते। तीसरा अनुकंपा, सर्व जीव प्राणी मात्र के ऊपर दया के पण, प्राणी मात्र, ये मार्गनास्थान में बहुत चर्चा डिटेल में अपन ने कर ली थी, प्राणी मात्र के ऊपर दया के पड़ना। हम ऐसे परिणाम ना करें कि कोरोना वायरस मर जाए, ये सारे जीव की हत्या हो जाए, क्या ये परिणाम का फल क्या मिलेगा। हमने बैठे बैठे, हम मार नहीं रहे परंतु बैठे बैठे हमने ये भाव कर दिया कि ये सारे जीवों का मरने का पाप हमको लगेगा। जबरदस्त, यहाँ पे क्या, करुणा का भाव, अनुकंपा माने करुणा का भाव, प्राणी, दुखी, पीड़ित, दरिद्र, इन सारे जीवों के ऊपर करुणा का भाव। रोगी कैसे, आप देखो तो कहते ना, वैराग्य बढ़ाना हो तो हॉस्पिटल में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर वो दृश्य देख के आओ, वैराग्य। गुरुदेव श्री तो थोड़े थोड़े समय के बाद नियम से वो जितरी की हॉस्पिटल में जाते थे, वैराग्य बढ़ाना हो तो एक बार हॉस्पिटल के चक्कर खा के आओ। अब देखो जीव ये रोग से, पाप के उदय से कितने पीड़ित होते हैं, पाप परिणाम में रोग होते हैं, पाप परिणाम। ये कोरोना वायरस, कल मैंने चर्चा हो रही थी कि ये अपन नहीं कह सकते कि एक इंद्रिय जीव है, ये दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, पता नहीं कौन सा जीव होगा, कौन सी इंद्रिय वाला, क्योंकि कल अपन ने मार्गनास्थान में चर्चा की थी ना कि संगनी पंच इंद्रिय मनुष्य जीव जो समूर्चन है, वे भी तो अपना हमारे ज्ञान में नहीं आते, वे हमें कहाँ दिखते हैं,
तो ये कोरोना वायरस ये एक इंद्रिय होगा, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, किसको पता है? ये केवल ही भगवान के ज्ञान में आया कि ये कौन सी इंद्रिय वाला जीव है। कितने संगनी पंच इंद्रिय मनुष्य जीव अपने अपने इंद्रियों में ज्ञात नहीं होते, अपने इंद्रियों से ज्ञात नहीं होते, इंद्रिय गोचर नहीं है। इसलिए हम कोई भी प्रकार के ऐसे परिणाम ना करें। और लास्ट अस्तिक्य, अस्तिक्य माने सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताए हुए, सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताए हुए 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्तिकाय उन सब के ऊपर दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, स्वीकार, रंच मात्र भी शंका नहीं, ऐसा जो विश्वास होना उसका नाम अस्तित्व। ऐसी ज्ञानी को 4 प्रकार की क्या होती है? भावनाएं होती है। हमने इतना और एक एक भी लिखना 25 दोष। हाँ, 25 दोष तो ख्याल रखना, 25 दोष से रहित होते हैं। मैंने इतने ज्ञानियों के, ज्ञानी के जीवन में ये इन सब से जीवन, ज्ञानी का जीवन में इन सारे पॉइंट्स के माध्यम से हमने ज्ञानी का जीवन समझा। ख्याति बेन आवाज आ रही है ना? हाँ, इवन ग्वालियर से जुड़े हैं सतीश जी भाई साहब और आंटी जुड़े हैं ना, तो सबको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, निशा आंटी, हाँ हाँ, अस्तिक्य माने कहा ना, अस्तिक्य माने 7 तत्व 6 द्रव्य के ऊपर दृढ़ श्रद्धा के बस जगत में 7 तत्व है, 6 द्रव्य है, मैं भी एक द्रव्य हूँ, मैं भी एक तत्व हूँ, आश्रव बंध तत्व है, बराबर ना, 9 पदार्थ पुण्य पाप तत्व है, ऐसी जो दृढ़ श्रद्धा उसका नाम अस्तिक्य। उसका नाम क्या है? अस्तिक्य। ये सारी चर्चाएं हमने अभी पहले 4th गुणस्थान के प्रारंभ में की। अब इस गुणस्थान का जो स्वरूप है, माने उसमें जो भी भेद प्रभेद वगैरह है, वो कल हम सुबह के स्वाध्याय में करेंगे। और भी मार्मिक चर्चाएं 4th गुणस्थान संबंधी हम कल सुबह के स्वाध्याय में करेंगे। ऐसी दशा, ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हमारे ज्ञान श्रद्धा में हमेशा मुख्य हो और हमें भी ऐसी दशा की प्राप्ति हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं। हाँ राजू आंटी, राजू आंटी, मैं जिनवाणी स्तुति, राजू आंटी ले रहे जिनवाणी स्तुति, मैं ले लेती हूँ। मंगलमय है जिनवाणी, आनंदमय है जिनवाणी, नित्य बोधिनी जिनवाणी, जग कल्याणी जिनवाणी, बोलो साची माता जिनवाणी, संकट त्राता जिनवाणी, सब सुख दाता जिनवाणी, मोक्ष प्रदाता जिनवाणी, हे मोह भगावे जिनवाणी, ज्ञान जगावे जिनवाणी, हे काम नशावे जिनवाणी, वैराग्य बढ़ावे जिनवाणी, हे निजानंद रस बरसानी, निज निधि निज में ही जानी, कोई नहीं जिसकी सानी, सहज नमुमई जिनवाणी, बोलो सहज नमु मा जिनवाणी, निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान नो जय हो। बोलो छट्टा सातम झुलवाड़ा शर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। बोलो श्यादवाद मैंने कांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। हम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। प्रशम मूर्ति भगवती मात नो जय हो। जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो।